आई होप फुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सरप्राइज आज की जो हमारी वीडियो है वो है स्किन रेमेडी, ठीक है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, पतली हो चुकी है क्रीमें लगा लगा के, आज हम आप लोगों को ऐसी रेमेडी आपके लिए लाए हैं घर की किचन की चीज़ों से, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी है आपकी स्किन के लिए, तो लेट्स स्टार्टेड। चलिए गाइस इंग्रेडिएंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले लिया मैंने चावल का आटा, उसके बाद मुल्तानी मिट्टी, और एक लेमन लिया है मैंने, और लिया है मैंने एक खीरा, ठीक है। ये चीज़ें सभी के घर में मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें लेनी है एक कटोरी, उसके अंदर हमें खीरा को कर लेना है आधा, खीरे का जूस निकालना है। ये देखें, आपने इसको इस तरह से कद्दूकश कर लेना है, बहुत ही आसानी से कद्दूकश हो रहा है। तो उसके बाद हमने लेनी है एक स्ट्रेनर, उसको हमने रखना है इस कटोरी पर, और ये जो हमने बनाया है इसको हम लोग स्ट्रेनर कर लेंगे। देखिए इस तरह से आपने इसको, इसका पानी निकाल लेना है खीरे का। और गाइस चीज़ें आप वेस्ट बिल्कुल भी ना करें, ऐसे आपने दबा के अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेना है। हम खुद भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छी रेमेडी है गाइस। ये देखिए, कैमरा क्लोज कर, ये देखिए ये बिल्कुल पानी नहीं निकल रहा, बहुत अच्छे से हमने इसका पानी निकाल दिया। गाइस ये देखिए हमने इसका पानी निकाल लिया है खीरे का, अब हम लोग इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच जो है वो चावल का आटा, ये 2 चम्मच हो गया, हाँ। ये टीस्पून है जी, ये टीस्पून है, तो ये 1 चम्मच हो गया। इसमें 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी जाएगी, और आपने इसको मिक्स करके देख लेना है कि इसका पेस्ट बनाना है, 2 चम्मच 3 चम्मच ये आपने अपनी स्किन के हिसाब से आपने मिक्स करना है। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए अभी खुश्क है, तो हम इसमें ये जो बच गया है ये हम डाल के मज़ीद इसको मिक्स कर सकते हैं। आपने ज़्यादा थिक पेस्ट नहीं बनाना, ना ही ज़्यादा उसको वो करना है। और लास्ट में इसमें जाएगा लेमन, लेमन जो होता है वो आपको ब्लीचिंग का काम करता है आपकी स्किन पे। ना ही ज़्यादा पतला रखना है और ना ही ज़्यादा इसको थिक रखना है आपने, ठीक है। इसको नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी में रखना है आपने, ताकि आसानी आपके फेस पे लग सके। और जी ये आपने लेमन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, सर्दियों की वजह से स्किन ड्राई होती है, आपने चंद ड्रॉप्स डालने हैं, जैसे 5 या 6 बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको अच्छे से मिक्स करें, और फिर अपनी स्किन पे ऐसे आपने ऐसे अपनी स्किन पे ऐसे अप्लाई करना है, और इसको 15 से 20 मिनट तक लगे रहने देना है। और ये आप डेली भी यूज़ करेंगे, इसका कोई भी नुकसान नहीं है, तो आप अच्छे से लगा सकते हैं, क्योंकि ये हम खुद भी यूज़ करते हैं जी। गाइस सो थैंक यू, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।